आज हम जिनके जीवन की कहानी बताने जा रहे हैं उनका नाम राजेंद्र सिंह रहेलू है। राजेंद्र सिंह रहेलू शायद नाम ना सुना हो क्योंकि यह क्रिकेटर या फिल्मी हीरो नहीं है। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे राजेंद्र सिंह रहेलू कभी अपने पैरों पर चल नहीं सके क्योंकि उन्हें बचपन में महज 8 महीने की उम्र में पोलियो हो गया था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति जिसके पैर इतने कमज़ोर हैं कि वह जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, वह 185 किलोग्राम वजन उठा सकता है। राजेंद्र सिंह रहेलू यह कारनामा दिखा चुके हैं। उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ खेलों में हैवीवेट पावर लिफ्टिंग में 185 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीत चुके हैं। राजेंद्र सिंह रहेलू उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो शारीरिक असक्षमता से पीड़ित हैं। 22 जुलाई 1973 को जन्मे राजेंद्र को 8 महीने की उम्र में ही पोलियो हो गया था। उनका बचपन गरीबी और विकलांगता से लड़ने में बीता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 1996 में उन्होंने अपने मित्र से प्रेरणा लेकर वेट लिफ्टिंग में करियर बनाने की सोची। वे प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई साइकिल पर जाते और वहाँ जहाँ ट्राई साइकिल नहीं ले जा सकते थे वहाँ वे अपने हाथों से चलकर जाते। कई मुसीबतें आईं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली। राजेंद्र अपनी मेहनत से पावर लिफ्टिंग में कामयाब होते गए। सन 2004 में उन्होंने 56 किलोग्राम वर्ग में एथेंस पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2008 और 2012 ओलंपिक खेलों में पावर लिफ्टिंग खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2012 पैरा ओलंपिक खेलों में वह 175 किलोग्राम वजन उठाने में अपने तीनों प्रयासों में चूक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करके 185 किलोग्राम वजन उठाकर वह रजत पदक अपने नाम किया और आज वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज वह एक कोच हैं और युवाओं एवं असक्षम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वह एक सच्चे हीरो हैं। उनके जैसे लोग हमारे लिए हर रोज़ एक नई आशा की किरण लेकर आते हैं जो यह साबित करती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजेंद्र सिंह रहेलू जैसे लोगों ने यह साबित किया है कि असंभव कुछ भी नहीं। तो ये थी इनके जीवन की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ढेर सारी मोटिवेशनल बातें के लिए चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।